अब हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। उसमें डालेंगे 2 प्याज, 2 टमाटर और ये 1 चम्मच जीरा, 4-5 छोटी इलायची, 4-5 लौंग और 2 तेज़पत्ते और चावल आधे घंटे पहले धो के रख लेंगे हम। चलिए बनाते हैं मटर पुलाव। इसमें हम 2 बड़ी चम्मच घी डाल दिया। अब इसको गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये जो है लौंग, इलायची, जीरा और तेज़पत्ता डालेंगे। ये भुन चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम अपने कटे हुए प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर और मटर। और इसमें स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। तो अच्छे से मिला के फिर इसको ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। इसको 5 मिनट के बाद देखेंगे। अभी मटर अच्छे से नहीं पके हैं तो इसको 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं ये तैयार है। इसमें डालेंगे ये चावल। आधे घंटे पहले मैंने इसको धो के रखा था। 1 गिलास चावल रखेंगे। जिस गिलास से चावल नापेंगे उसी गिलास से पानी। 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी रखेंगे।
अब इसको लो फ्लेम पर 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें थोड़ा ये धनिया रख देंगे। अब इसको पकाएंगे। दस मिनट हो चुके हैं। आइए देखते हैं। अभी 5 मिनट के लिए और ढक के पकाएंगे इसको। हो गए 5 मिनट, देखते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। देखिए बिल्कुल तैयार है खिले हुए मटर पुलाव। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हो गया। थैंक यू।